नमस्ते इंडिया। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्टेयर केस के बारे में कि सीढ़ी आपको कौन से पोजीशन पे देना है, कितने नंबर्स ऑफ स्टेप आपको यूज करना है और एक्यूरेट वास्तु के हिसाब से क्या पोजीशन रहेगा और सीढ़ी के नीचे आप क्या बना सकते हैं और अगर गलत जगह पे आपका सीढ़ी बना हुआ है तो आप उसको बैड इफेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं। तो पूरे डिटेल में आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो स्टार्ट करती हूँ मैं वास्तु के दिशा के बारे में कि सीढ़ी कहाँ पे एज पर द वास्तु शास्त्र होना चाहिए। तो स्टेयर केस का जो पोजीशन है वो है पहला प्रेफरेंस साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट का जो स्टेयर केस रहता है वो आपको क्लॉकवाइज दिशा में देना है, यानी कि राइट टू लेफ्ट, जो कि वास्तु के हिसाब से परफेक्ट माना जाता है और वो काफी आपके लिए फायदेमंद होता है। अगर वहां पे आप स्टेयर केस बनाते हैं तो कोई भी बैड इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। और अगर आपको साउथ वेस्ट में जगह नहीं मिल पाता है तो वैसे केस में सेकेंड प्रेफरेंस आप साउथ या वेस्ट में भी बना सकते हैं, वो भी एज पर वास्तु शास्त्र के अंदर ही आता है। बट अगर आप साउथ में स्टेयर केस बना रहे हैं तो वहां पे आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन देना है, यानी कि राइट टू लेफ्ट। बट अगर आप वेस्ट में बना रहे हैं तो वेस्ट में आपका जो डायरेक्शन रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज आपको देना है, यानी कि लेफ्ट टू राइट, तो वो वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग वो बेस्ट रहेगा। बट अगर आपको साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट ये तीनों जगह में नहीं मिल पाता, अगर आपको मैं बताऊं कि नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ और ईस्ट इस जगह पे स्टेयर केस के बारे में, तो ये टोटली रॉन्ग है। आपको कभी भी नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर केस नहीं देना है, क्योंकि वो वास्तु पुरुष का हेड होता है और उसके हेड पे अगर आप स्टेयर केस बना देंगे तो क्या होगा, आपको हेड रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि माइग्रेन या फिर ओवर थिंकिंग, हेड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है उस घर पे देखने को मिलता है। तो इसीलिए कभी भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्टेयर केस आप नहीं बनाए। बट वीडियो के एंड में मैं बात करूंगी कि अगर ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में आपका स्टेयर केस है तो वास्तु के बैड इफेक्ट को कैसे आप कम कर सकते हो। पूरे तरीके से खत्म तो नहीं होगा बट बैड इफेक्ट आप उससे कम कर पाएंगे। और अगर मैं स्टेयर केस की नंबर्स की बात करूं तो आपको स्टेप्स हमेशा ऑड नंबर में रखना है। उसको ऑड नंबर में रखने का एक प्रॉपर कारण भी है, वो कारण भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि आप पहला कदम जब सीढ़ी पे रखते हो तो राइट लेग आप आगे रखते हो, उसके बाद आपको क्या है कि सीढ़ी से उतरते टाइम में अगर राइट पैर आपका आगे जाएगा तो वो पॉजिटिविटी शो करता है, आपके घर पे पॉजिटिविटी का आना उसमें लगा रहता है। तो इसीलिए ऑड नंबर में स्टेयर केस रखा जाता है ताकि जब आप राइट पैर से चढ़े तो उतरे भी राइट पैर से, तो वो पॉजिटिविटी लाएगा आपके घर के अंदर। तो स्टेयर केस को आप 15 नंबर में रख सकते हैं, 17 नंबर में स्टेप्स रख सकते हैं, 19 नंबर में रख सकते हैं, 21 नंबर में रख सकते हैं। जितने भी नंबर रखना है आपको ऑड नंबर में स्टेप रखना है, वो आपका घर पे पॉजिटिविटी को लाता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने स्टेयर केस के नीचे क्या देना सही रहेगा, स्टेयर केस, टॉयलेट, टेम्पल, किचन, ये चार चीज में से स्टेयर केस के नीचे क्या बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आइडली देखे तो ये चारों चीज आपका रॉन्ग है। स्टेयर केस के नीचे कभी भी आपका किचन नहीं आएगा, पूजा का कोई भी सेटअप नहीं आएगा, प्लस आपका स्टोर रूम भी नहीं आएगा, टॉयलेट भी आपका अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता। आइडली ये चारों चीज गलत है। बट अगर आपका स्टेयर साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट ये तीनों में से कहीं पर आप बना रहे हैं तो वहां पे आप स्टोर रूम बना सकते हैं, बट प्रॉपर वेंटिलेटेड रहेगा तो वो आपके लिए गुड है। बट अगर वो प्रॉपर वेंटिलेटेड है तो ही, अदरवाइज आप स्टेयर केस के नीचे ये चारों में से कोई चीज भी ना दे तो बेटर होगा। कि अगर वेंटिलेटर आप वहां पे नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं तो वहां पे आप इलेक्ट्रिकल का सारा कनेक्शन बैठा दे और उसको पैक कर दे, ताकि होगा क्या, जितना भी लाइट से जुड़े तार वार, जितना भी सेटअप है आपका इलेक्ट्रिकल का, वो सीढ़ी के अंदर रहेगा, विजिबल नहीं होगा तो लुक भी एनहांस होगा। बट आइडियली ये चारों चीज रॉन्ग है। बट अगर आप साउथ वेस्ट में है तो फिर कहीं ना कहीं स्टोर रूम बना सकते हैं, बट एक वेंटिलेटर आपको वहां पे देना होगा, तभी वो आपके लिए सही रहेगा, अदरवाइज फिर वो बैड इफेक्ट लाता है। तो ये था हमारा वास्तुशास्त्र से रिलेटेड, वास्तु पोजीशन, नंबर ऑफ स्टेप, स्टेयर केस के नीचे क्या बनाए। तो अब मैं एंड में आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका स्टेयर केस नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या ईस्ट इस दिशा में है तो कैसे आप उसको वास्तु दोष को कम कर सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट जो कॉर्नर है
वहां पे अगर आपका स्टेयर केस बन रहा है, अगर जगह नहीं है कहीं भी प्लॉट में, अगर वहां पे आप स्टेयर केस बनाते हैं तो स्टेयर केस का वेट आपको कम रखना होगा, यानी कि वहां पे वुडन स्टेयर केस आप बना सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रहे कि आपके प्लॉट का साउथ वेस्ट पोजिशन जो है वो बहुत ही हैवी होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट से भी ज्यादा हैवी होना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका स्टेयर केस है तो साउथ वेस्ट कॉर्नर को आप हैवी बनाएंगे तो वो वास्तु कहीं ना कहीं दोष को थोड़ा कम करता है। और अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका ऑलरेडी है बना हुआ तो उसमें आप व्हाइट कलर का पेंट करवा दे या तो एक्वा ब्लू कलर का पेंट करा दे तो वो आपका वास्तु दोष को कम करता है, पूरे तरीके से खत्म तो नहीं करेगा बट वो आपका वास्तु दोष को कम कर देता है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका स्टेयर केस कौन से दिशा में है, और अगर आप न्यू कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो कौन से दिशा में आप स्टेयर केस देने वाले हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, टू बिल्ड अ ड्रीम, बाय बाय।